गुजरात आवागढ़ की कथा में और परवणी की कथा में हमने कहा था, बरहानपुर की कथा में भी कहा था कि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, बोला था। पर घर के अंदर जो शिवलिंग होता है उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है शंकर जी के ऊपर, फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्व रखती? तो हमारा कहना है, तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, लगाओ तो भी ठीक ना लगाओ तो भी ठीक, पर शिव जी के ऊपर घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थाई होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है, उठाया थाली में रखा निला दिया वापिस रख दिया। मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारद का शिवलिंग है, स्फाटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पत्र और आया है बड़ा, आपको और हमको समझने का है, देखो वो एसी से जुड़ा हुआ। मैं आशीष साहू बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूं, कहीं बैठे हूं आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसके लिए देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। हमारे घर के मंदिर में ये वाला शिवलिंग है जिसका फोटो उन्होंने लगाया है, आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं या एलईडी पर देख सकते हैं। इस शिवलिंग में समझिए अब जरा, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे घर के शिवलिंग में नंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका बैठा। अच्छा हसोमती, तुम्हारे भी कई कई के घर में ऐसा होगा कि यहां शिवलिंग है, ये जो सामने जगह है ये जगह पे नंदी चिपका हुआ है, देखा है कि नहीं देखा, बोलते जाओ जरा, देखा है ना। तो अब प्रश्न देखिए उस बच्चे का, अब अशोक सुंदरी तो वहां दिखती नहीं है, नंदी नंदी बैठा है। अब आप बताओ हम अशोक सुंदरी को जल कैसे चढ़ा, अशोक सुंदरी की जगह तो नंदी ने घेर ली है, क्या करा जाए? अब बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत ध्यान से। जिस शिवलिंग के सामने पत्थर पर या पीतल पर या चांदी पर नंदी परमानेंट चिपका रहता है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, वहां सेवा की मूलता मानी गई है। शिवलिंग से हटकर दूरी पर नंदी होता है तो वो शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए होता है, और जो केवल चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका रहता है, लगा रहता है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है। अंतर है दोनों, दोनों में अंतर है, जरा समझिएगा इस चीज। एक ड्राइवर वो होता है जिसको फोन लगाया जाता, कहां है, क्यों, क्या काम है, सीओर जाना है, और एक ड्राइवर वो होता है गाड़ी में बैठा मिलेगा, उसको मालूम है फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जाऊंगा गाड़ी खड़ी मिलेगी और बैठ के और निकल जाऊंगा। मंदिर में जो शिवलिंग है वो दूर है, और जो चिपका हुआ सुख सुंदरी वाली जगह पर जो शिवलिंग है वो स्थान पर सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ मेरा नंदी और शिवलिंग है, तत्पर खड़ा है, तत्पर। अब उसने एक प्रश्न किया है इस प्रश्न में कि पूजन कौन से शिवलिंग की करना चाहिए। तो बेटा साहू आशीष छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आशीष साहू ध्यान रखें, शिव महापुराण
विद्येश्वर संहिता कहती है एक छोटा सा छोटा कंकर भी है और वो जलाधारी पर नहीं भी रखा है और उसको तुमने शिव मान लिया है, वो शिव ही रहेगा, ये निश्चित है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बेटा पानी। आपके ऊपर आप क्या मान रहे हो? शंकर जी के हाथ में कपाल चित्ता, नंदी समझ गया कि शिव जी मौन क्यों है। कह दिया बाबा अगर किसी जीव का शरीर एक बार गोदावरी के घाट पर पहुंच जाता है और गोदावरी का मात्र जल का छींटा उस शरीर पर पड़ जाता है तो कपाल किसी का भी हो या कितनी भी ब्रह्मत्या लगी हो वो ब्रह्मत्या से छूट जाता है। शिवजी ने कहा गोदावरी? हाँ। शंकर भगवान ने पूछा ये गोदावरी कौन है? तब नंदी ने गोदावरी की कथा कहना प्रारंभ करी। वो गोदावरी जिस गोदावरी ने महादेव आपके लिए निरंतर तप करा, साधना करी, आराधना करी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सारी पवित्र नदियां गोदावरी को देखकर तप करना चालू करती हैं। वो गोदावरी कोई साधारण नहीं है। क्या करना चाहिए? शंकर भगवान उस नंदी से पूछ रहे, नंदी करा एक बार गोदावरी के तट पर चलना चाहिए। तो मैं कहां जाकर बैठूंगा? नंदी ने कहा वो मैं बता दूंगा महादेव, आप चलो तो सही। नंदी ने छोटे से बछड़े का रूप लिया, बछड़े का रूप लेकर महादेव को लेकर नंदी चल पड़ा। चलते चलते जैसे जैसे गोदावरी के करीब में आया, नासिक की धारा पर पहुंचा, पंचवटी पर पहुंचा, और पहुंचते से गोदावरी के सामने शंकर भगवान को बिठा कर नंदी उजल हो गया। नंदी गया, जैसे ही नंदी गया वैसे ही शंकर भगवान के हाथ में से कपाल नीचे गिर गया और भगवान शिव का नाम कपालेश्वर महादेव पड़ गया। कपालेश्वर महादेव।